अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर लेक्चर्स। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट फर्मेंटेशन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंचे जब मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी इस प्रोसेस को नहीं समझा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखा है तो आप ज़रूर इस प्रोसेस को समझोगे। तो पहले आपको ये समझना है कि जो फर्मेंटेशन है, ये फर्मेंटेशन बेसिकली एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इट इज़ एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या प्रोसेस होती है? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को समझने से पहले आपको समझना है द वर्ड मेटाबॉलिज्म। तो वर्ड मेटाबॉलिज्म को समझना है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस और मेटाबॉलिज्म, एक्चुअली मेटाबॉलिज्म क्या है? जो हमारी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो वो केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन है। तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्चुअली दीज आर द केमिकल प्रोसेस डैट ऑकर विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। तो इन प्रोसेस की वजह से ये हमारी लाइफ जो है वो मेंटेन है, वो सस्टेन है। तो इन प्रोसेस के विदाउट दीज प्रोसेस वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ये याद रखना है आपको, फर्मेंटेशन इज एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली? तो इट इज़ एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेस डैट कंज्यूम शुगर। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक एम मीन्स मेटाबॉलिक, इट इज़ एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेस। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस इसमें क्या होता है, इसमें शुगर जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, इसमें शुगर कंज्यूम हो जाता है। जब ये कंज्यूम हो जाता है किसमें, या ये कंज्यूम होगा जब ये कंज्यूम शुगर हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड्स या गैसेस में या अल्कोहल में। ठीक है, या ये एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स में कंज्यूम हो जाएगा या गैस में कंज्यूम हो जाएगा या अल्कोहल में कंज्यूम हो जाएगा। कौन? शुगर मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में या गैसेस में या अल्कोहल में। मगर ये याद रखना है, इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सो याद रखना है, पहले मैं फिर से रिपीट करूँगा, फर्मेंटेशन इज एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच शुगर इज कंज्यूम। तो जब ये शुगर कंज्यूम हो जाता है तो जो इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, याद रखना है यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स, जब शुगर कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ तो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे या गैसेस होंगे या अल्कोहल होगा। ठीक है, इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम डिफिनेशन बताएंगे तो फर्मेंटेशन इज़ ए मेटाबॉलिक प्रोसेस डैट कंज्यूम मीन्स यूज, डैट कंज्यूम शुगर इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स, गैसेस और अल्कोहल। द एंड प्रोडक्ट में भी अल्कोहल। तो ये याद आपको रखना है। ठीक है, तो चलो बात करेंगे अब ये किन ऑर्गेनिज्म में ये जो फर्मेंटेशन है, एक्चुअली फर्मेंटेशन किन ऑर्गेनिज्म में होती है, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस जो है ये होती है। चलो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि एक तो ये बैक्टीरिया के अंदर होती है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस हो जाती है यीस्ट में भी। तो यीस्ट और बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन ये प्रोसेस होती है। तो याद रखना आपको, फर्मेंटेशन क्या है बेसिकली, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स में, गैसेस में, अल्कोहल में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक प्रोसेस इज एक्चुअली एनएरोबिक प्रोसेस। तो एनएरोबिक प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस विच ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो फर्मेंटेशन है ये बैक्टीरिया के अंदर होती है और ये यीस्ट्स के अंदर होती है। तो चलो ठीक है, तो ये याद आपको रखना है कि ये जो फर्मेंटेशन है, ये फर्मेंटेशन ह्यूमन बींग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस को ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बो
कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर को ये कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में, जैसे हम जैसे पिकल्स आप हम लोग बनाते हैं, तो इस पिकल्स इसमें क्या हो जाता है, इसमें इसमें भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है कन्वर्ट, या ऑर्गेनिक एसिड्स में, अल्कोहल में या किसी और एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस भी हम लोग भी इस्तेमाल कर करते हैं। तो ऑकरेंस आपने देखा बैक्टीरिया के अंदर भी हो जाती है, यीस्ट्स के अंदर भी हो जाती है, और ये हमारे जो मसल सेल्स है, मसल सेल्स या हम लिखेंगे स्टारवर्ड मसल सेल्स के अंदर भी ये जो फर्मेंटेशन है ये प्रोसेस होती है, और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्स में भी ये प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑकरेंस आपने समझा, डेफिनेशन भी मैंने बताई आपको और ऑकरेंस में मैंने भी आपको बताई है। तो चलो ठीक है, तो इस ये आपको याद रखना है कि फर्मेंटेशन के बदौलत हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये आपको याद रखना है कि इस फर्मेंटेशन की बदौलत हम लोग अल्कोहल्स, बेवरेजेस एंड बीर्स बना सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स, बेवरेजेस एंड बीर्स को भी बना सकते हैं हम इस प्रोसेस की बदौलत से। तो ये प्रोसेस जो है, जब न्यूलिथिक एज से लेकर आज तक ह्यूमन बींग्स इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं कि अल्कोहल बनाने में या बीवरेज्स बनाने में या बीर्स बनाने में। ठीक है, तो ये है फर्मेंटेशन, दिस द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा, इज एक्चुअली द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच शुगर इज कंज्यूम्ड। जब शुगर कंज्यूम हो जाएगा तो जो इसमें प्रोडक्ट्स होंगे वो एसिड्स होगा या गैस और अल्कोहल, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द प्रोसेस विच ऑकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक। ठीक है, तो बैक्टीरिया और यीस्ट्स के अंदर हो जाते हैं, और बैक्टीरिया और यीस्ट्स के अंदर खाली फर्मेंटेशन होती है, इस फर्मेंटेशन की वजह से बैक्टीरिया और यीस्ट जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ह्यूमन बींग भी इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को कन्वर्ट करने में। जैसे हम पिकल्स बनाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड्स में। तो ये ऑकरेंस मैंने आपको बताई है, एक तो बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर भी होती है, और स्टार और मसल सेल्स का मतलब ये है कि जिन मसल सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ नहीं हमारी जो मसल सेल्स में नहीं जाती है, तो इनमें जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाती है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्स के अंदर भी ये फर्मेंटेशन होती है। चलो ठीक है, तो अगर हम आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर इट। चलो ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, अगर हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की, ये जो फर्मेंटेशन ये जो दो ये जो द प्रोसेस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन, एक्चुअली इफ़ वी डील अबाउट द प्रोसेस ऑफ अल्कोहल फर्मेंटेशन। चलो ठीक है, अगर हम अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करेंगे, अल्कोहल फर्मेंटेशन अगर हम बात करेंगे अल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन को अगर हमने समझा तो हमें इजीली ये जो फर्मेंटेशन है ये समझ में आएगी। ठीक है, तो अल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो अल्कोहल फर्मेंटेशन है इसमें क्या हो जाता है, सो इट दिस प्रोसेस बेसिकली द फर्स्ट वी स्टार्ट द प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है इस प्रोसेस को हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। तो इन फर्स्ट पार्ट द यीस्ट्स ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज टू फॉर्म टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। देखिए पहले क्या हो जाता है कि यीस्ट में, जो मैंने आपको बताया है कि यीस्ट के अंदर फर्मेंटेशन भी हो जाता है, तो यीस्ट क्या करता है, यीस्ट जो होता है ये ग्लूकोज कंज्यूम करता है, ये ग्लूकोज को यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू टू
पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको याद रखना है ये दो प्रोसेस में होती है, ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर, यानी यीस्ट के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो ये जो प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर होती है ये दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप में यानी प्रोसेस इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट व्हाट हैपन्स, ये जो यीस्ट होता है ये कंज्यूम करता है ग्लूकोज इनटू टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में। किस में? इनटू टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे पाइरूवेट मॉलिक्यूल की, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरूवेट मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइरूवेट मॉलिक्यूल। ये है पाइरूवेट मॉलिक्यूल, यानी पहले स्टेप में यह यीस्ट जो है ये ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, ठीक है, ये ग्लूकोज को कंज्यूम करता है किसमें? दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। पहले स्टेप में यह होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर वन। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट द स्टेप नंबर टू, व्हाट हैपन्स इन स्टेप नंबर टू, ठीक है, देखिए पहले दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है। दूसरे स्टेप में हो जाता है कि ये जो पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है, दिस स्टेप नंबर टू। और यही दो स्टेप्स जो है ये यीस्ट के अंदर होती है। ये जो यीस्ट है इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, तो इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पहले स्टेप में यीस्ट ग्लूकोज को कंज्यूम करता है और बनाता है टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स, यानी ग्लूकोज को कंज्यूम करता है इनटू टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स। यानी पहले क्या हो जाता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में। दूसरे स्टेप में क्या हो जाता है कि ये जो टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। ओके, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट क्रिएट्स ए नेट टोटल। अब जब ये देखिए, ये आपको याद रखना है, पहले स्टेप में ये जो ग्लूकोज हो जा ये जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, इस टू पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में जो पहले स्टेप में क्या हो जाता है, टू एटीपी क्या हो जाता है कि टू एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। जब रिएक्शन हो जाती है तो दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उन दो एटीपी मॉलिक्यूल्स की वजह से ये जो यीस्ट है ये जिंदा रहता है, ठीक है। यह एटीपी यानी आपको मालूम है इट इज़ एक्चुअली एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इन एटीपी मॉलिक्यूल्स दीज एटीपी मॉलिक्यूल्स एक्चुअली आर एनफ टू कीप द यीस्ट अलाइव। दीज टू एटीपी मॉलिक्यूल्स आर एनफ टू कीप द यीस्ट अलाइव। तो ये जो दो प्रोसेस है ये प्रोसेसेस किस में होती है, ये प्रोसेस यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट के अंदर होती है। तो इसमें ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन द प्रोसेस इट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये तो एक पहले पार्ट में यीस्ट को ग्लूकोज को कंज्यूम करता है किस में, दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स में, और दो पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स बाद में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो एक्चुअली इट वॉज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ फर्मेंटेशन। सो आई होप कि आपने समझा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।